हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं मशरूम फ्राई बनाने जा रही हूँ। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं, इसके लिए परांठे या राइस की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। सबसे पहले पैन में बटर डालेंगे 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून। जब ये गर्म हो जाए फिर उसमें जीरा डाल देंगे 1/2 टीस्पून, और जो है गार्लिक पड़ेगा इसमें बहुत सारा, 1 टेबल स्पून के लगभग। और जब इसे भूनेंगे तो गैस की आंच कम रखेंगे, और फिर इसमें चिली डाल देंगे, ग्रीन चिली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे। अब जब ये हल्का हल्का भुन जाए फिर इसमें मशरूम ऐड कर देंगे। अब इसमें सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1/2 चम्मच डाला है, 1/2 टीस्पून। अब जो है इसमें कुटी हुई काली मिर्च पाउडर है वो डालेंगे थोड़ा सा, 2 पिंच के लगभग। इसे मिक्स करेंगे और इसे ढक देंगे। 10 मिनट तक ऐसे ही इसे ढका रहने देंगे। उसके बाद ये मशरूम जो है पानी छोड़ देगा। उसके बाद इसको चलाएंगे और जो है लाल मिर्च पाउडर वो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें फिर धनिया डालेंगे और उसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी जो है पूरा सूख ना जाए। ये देखिए पूरा पानी सूख गया है इसका। बस ये बिल्कुल बन के तैयार है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर पराठा या किसी के साथ में साइड डिश के तौर पर इसे ले सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा।